बिग बॉस ओटीटी के घर की बात करें दोस्तों, तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि बिग बॉस के घर से एविक्शन हो चुका है। इस एविक्शन की प्रक्रिया को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाते हुए बिग बॉस ने घर के अंदर कैलेंडर लेके आए, बारी दर बारी कैलेंडर के पत्तों को पलटा गया और एंड ये कैलेंडर हुआ जिया शंकर की फ़ोटो से, क्योंकि बिग बॉस के फिनाले में आने वाला ट्विस्ट कोई और नहीं बल्कि जिया शंकर ही है। और जिया शंकर की फ़ोटो का वहाँ पर होना, इसका मतलब ये था कि 3 नॉमिनेटेड सदस्यों में से जिया घर से बेघर हो गई। जिया के नॉमिनेटेड होने के बाद से ही सभी के दिमाग में चीज आ चुकी थी कि जिया एविक्ट होंगी, तो कहीं ना कहीं जिया ने अपनी फेयरवेल स्पीच पहले ही दे दी थी। इसके बाद पूजा भट्ट से मिलकर जिया शंकर ने यह बात कही कि मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। मनीषा को उन्होंने अपनी पहले ही बात कह दी थी कि यार चाहे हमारे बीच जो भी कुछ भी हुआ हो पर मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। वहीं फुकरा को उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, इनफैक्ट फुकरा से वो गले मिली और फुकरा का खुद का गला भराया और जिया एक बार के लिए उनकी चीख निकल गई। फुकरा और जिया इस तरीके से मिले और एक शब्दों का बिल्कुल आदान प्रदान नहीं हुआ, इससे साफ पता चलता है कि इनकी बहुत सी बातें अनकही रह गई। इसके अलावा जब वो मिली एल्विश से तो एल्विश ने भी उन्हें कहा कि यार मैंने तुम्हें बहुत जनता जनता बोला, इसके लिए मैं तुम्हें सॉरी बोलता हूँ। जिया फूट फूट कर रोई, जिया के आंसू निकले। जिया ने बिग बॉस से हाथ जोड़ कर धन्यवाद किया, घर को देख कर हाथ जोड़ कर धन्यवाद किया और अपनी जिया की जनता को भी धन्यवाद किया। इनफैक्ट घर के हर सदस्य को यही बात बोली कि हर किसी से मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है और अब मैं जा रही हूँ, तो कल से लड़ाई मत करना और लड़ाई करोगे तो मैं जाकर लाइव में देखूंगी कि तुम लोग किस बात पे लड़ाई कर रहे हो। बहरहाल बिग बॉस के घर से अब जिया हो चुकी है एविक्ट। जिया का एविक्ट होना इस बात का पुख्ता प्रमाण हो गया है कि हमें टॉप 5 मिल चुके हैं। अब ये टॉप 5 जाएंगे फिनाले में और कोई और एक बनेगा विनर। इस विनर में से किसके लिए करने वाले हो आप वोट, ये कमेंट करके बता दो। और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दें चैनल देखो देखो को।